हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे फैक्ट्री की चीनी मिल। दूसरी रोड नहीं, चीनी मिल है जो उसकी बहुत सारी रोड है। जितना हमारा बड़ा पूरा शहर है उससे उसके दुगना चीनी मिल है, क्योंकि हर शहर में चीनी मिल नहीं होते हैं। हमारे शहर में चीनी मिल है तो हम चीनी मिल देखेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। चलो देखते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय। पहला रोड अब यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, चीनी मिल आपको दिखाते हैं। वहाँ पर सब लोगों की नहीं, मतलब आधे लोगों की सरकारी नौकरी है, बाकी सारे लोग हैं प्राइवेट। चीनी मिल में सिर्फ 5 से 6 महीने काम चलता है और बाकी दिन रिपेयरिंग होती है, पूरे मिल की बंद रहती है, लेकिन लोगों को उनकी सैलरी मिलती है। चीनी मिल भी बहुत खुली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। चीनी मिल इतनी बड़ी है कि उसके अंदर हर सारे घर हैं अनगिनत। चीनी मिल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो घर बने होते हैं वो घर हमको आपको दिखाते हैं। देखिए ये घर बने हुए हैं, सब यहाँ के कर्मचारियों के घर हैं। सबने कलर कर लिया है घरों में, ये सबके घर है। पहले बताया मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो लोग कहते थे हम वहाँ रहते। ये है लोगों के घर चीनी मिल, वो कहते थे हम चीनी मिल में रहते हैं। मुझे लगा चीनी मिल पता नहीं कैसी होती है, यहाँ के लोगों के घर है। ये है सरकारी नौकरी वालों के घर और वो थे प्राइवेट नौकरी वालों के घर। भाभी बैठी हो? हाँ चलो भाभी, यहाँ हमारी भाभी भी रहती है, उनके घर चलते। ये वो लगा है केला, कच्चे केला है। नीम से दांतों तोड़ लूँ एक? तुम चलो, तुम सो, हमने तुम डिस्टर्ब कर दिया। चलो ठीक है, सो जा जाओ। हो रहा था, कोई बात नहीं, देखो उनको उठा दिया ना मैंने। चलो ठीक है, बाय बाय। भाभी जी को उठा दिया सोते हुए इन्होंने, सही नहीं किया जी तुमने। यहाँ पर गाय भी पाली जाती है और मतलब जानवर पाले जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब है फैक्ट्री, दूसरों का घर मतलब अपना घर नहीं है, लेकिन अपने घर के जैसे सब कुछ कर सकते हैं यहाँ लोग। यहाँ पर ऐसे देखिए सबके घर एक जैसे हैं, यहाँ पर इस गली में देखिए। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहीं पर पैदा होते हैं और यहाँ पर ही 60 साल तक मतलब अपनी नौकरी करते हैं, उम्र भर तक यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसा है यहाँ पर फैक्ट्री में, चीनी मिल फैक्ट्री, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और पानी घर घर जाता है, पानी बिजली सब कुछ फ्री है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है इसमें, अगर कोई नया इंसान आएगा तो घूम जाएगा। बहुत शादी करनी है, चले आप गन्ना खाने चलते हैं। गन्ना देखेंगे मिलेंगी कि नहीं, अभी सीजन आया तो है पर अभी गन्ने नहीं आए। जय श्री राम, प्रभु जी राम राम। नहीं 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 नहीं, गिर जाएंगे यहाँ पर। हाँ उतरना पड़ेगा यहाँ पर, अब निकलो। नहीं यहीं से आओ निकल के, चलो आ जाओ आराम से आना। यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, कोई वजह होगी इसलिए बंद किया है। ये है यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर चीनी बनती है, मतलब यहाँ गन्ना रखा जाता है सारा। ये प्लाट खाली पड़ा है, यहाँ पर बनती है चीनी, मतलब गन्ने आते हैं धुलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, वो इतने बड़े बड़े टैंक दिख रहे हैं आपको, उसमें बनती है चीनी। अंदर अभी नहीं जाना सही, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है ना, गन्ने का सीजन नहीं आया है। तो गन्ने कहाँ से आ जाएंगे, आप कह रहे हो कि गन्ने की ट्राली आती है।
देगी तो और दिखना चाहिए। ये देखो यहाँ बिजली बनती है। ओ पानी यहाँ बनती बिजली, ओ दिख रहा होगा पानी पानी वहाँ यहाँ बिजली बनती है। यहाँ पर घेरा है ना, ये घेरा नहीं है, वहाँ पानी चल रहा है। हाँ क्या होता है जी यहाँ पर? बहुत बड़ी है फैक्ट्री, ये टैंक तो और बड़े बड़े हैं इनके देखना। अरे ये इसमें दारू बनती है? दारू नहीं बनती यहाँ पर, इसमें बनता है चीनी बनती है, मतलब इसमें गन्ने धुलते हैं। के बराबर में पड़ता है स्टेशन, वो थोड़ा स्टेशन भी देख लेते हैं। ये बाजपुर का स्टेशन, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, छोटा स्टेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हम तो यहीं से शॉर्टकट मार के और स्टेशन से ट्रेन में बैठ जाते हैं, इधर से निकल के आ जाते हैं। ये स्टेशन में यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। ये बासपुर स्टेशन, यहाँ से निकलते हैं। अब हम चलते हैं अपने घर संजय कॉलोनी। हमारे गली में तो मोड़ी इतने हैं कि मेरे गांव के आते हैं तो भाई के तो भूल ही जाते हैं रास्ता। सुमंत्रा घर कहाँ पर है? इतनी तो कॉलोनी है तुम्हारे, इतनी गलियां हैं तुम्हारे कॉलोनी में। घर है, जीवन है। ये है दूसरे ब्लॉकर। हमने पड़ोसियों को भी ले लिया, अब आ गए हैं घर काम करके। ओ, जो हो गया चीजें। म्याओ म्याओ कहाँ मिली आपको?